स्थिरचरणिकर व्याप्तिभिर्व्याप्तलोकान् भुक्त्वा भोगास्तविषान् पुनरपि धिषणसुदुभाषिकान्यामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभूं मायया भोजयन्नो अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद की अलग शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार चल रहा है। यहाँ पे पहले शंख उत्पत्ति होना संभव नहीं है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति होना संभव नहीं था दिखाई दे रहे बोलते प्रतिथि मात्र है। इसको समझाने के लिए अलग शांत की मशाल को दृष्टांत के रूप में देते हैं। इस प्रकार मशाल को घुमाने पर कई प्रकार के आकार आकृति उत्पन्न हो जाता है, उसका अलग अलग नाम भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार चित्त के विक्षेप उत्पन्न होने पर, चित्त के भाषण उत्पन्न पर ये जगत दिखाई पड़ती है। क्या मनुष्य सिद्धांत, क्योंकि पहले बोल कर आया मनुष्य ही अमन ही भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध। मन को यदि आप अमन कर सकते हैं तो द्वैत प्रपंच की उपलब्धि नहीं होगी। जब ये हमारी प्रतिज्ञा है तो न कश्चित जायते जीव संभव न विद्यते एतत् तत् उत्तमं सत्यं यत्र किंचित् न जाए। ये जो सबसे उत्तम सत्य क्या है, कहीं सृष्टि होना संभव ही नहीं। दोनों बात ये बोल रहे थे, ये कहते हैं सत्य उत्पत्ति होना संभव नहीं, कहते असत्य उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये सत और असत दोनों से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, ये हमारी सिद्धांत है, ये हमारी सिद्धांत है। तो इस प्रकार से कथन करने के बाद अब जो है सांख्यवादी के वाद खंडन होकर हो जाने के बाद सांख्यवादी और वेदांती नहीं खंडन करते, सत्कार्यवादी और सत्कार्यवादी अपने में भीड़ करके उसके जो सिद्धांत तो पहुंचा, क्या पहुंचा, उत्पत्ति होना संभव नहीं। तब पूर्व मीमांसा दर्शन होता सही बोला आपने, उत्पत्ति इस प्रकार से होना संभव न, हमारे सिद्धांत तो समझ लो क्या है, धर्माधर्म रूपी जो है कारण से शरीर रूपी कार्य उत्पन्न होना है। तब हम आपसे पूछते हैं बताओ धर्माधर्म पहले है कि शरीर पहले है, क्या बोलोगे? अब तो हमको मानना पड़ेगा धर्माधर्म, धर्माधर्म शरीर के बिना धर्माधर्म नहीं होता और धर्माधर्म के बिना शरीर उत्पन्न नहीं होते, अनन्न दोष के तरह कुछ ग्रसित है। इसीलिए कि हेतुरादि फलम जैसा आदि हेतु फल सचन है ना, हेतु हेतु हो आदि मतलब हेतु का जो कारण फल जैसा है ना, फल वो हो गया जैसा हमारा आदि हेतु फल सच, फल का जो कारण क्या हो गया हेतु, हेतु मत हेतु हो गया अपना धर्माधर्मादि, धर्माधर्मादि का फल क्या है शरीर, और शरीर की जो मतलब फल है उसका कार्य क्या है धर्माधर्म। इस प्रकार से जो है अनंत उसका तरह कसित है। तो फल क्या जाता है तथा जन्म भवे तेषा पुत्र जन्म पितु जैसा, इस प्रकार पुत्र से पिता के जन्म, इस प्रकार तुम्हारा स्टेटमेंट में गलती हो जाएगी। इसलिए संभव हेतु फल क्रमस्त है, बोलते नहीं नहीं हमें तो प्रतिथि से दिखाई पड़ता है, इससे ये कार्य है कारण है, ये कार्य कारण, यदि कार्य कारण तुमको दिखाई दे रहा है तब हमें तुम्हें क्या है कौन पहले ही तुमको निर्णय करके बताना पड़ेगा, तो तुमको पहले निर्णय करके बताना पड़ेगा। और यदि कहते नहीं नहीं दोनों एक साथ होता है तब तो दोनों में संबंध कार्य कारण का संबंधन संभव ही नहीं है। जगवत संभव है जस्मात असंबंध विषाणु बंधन के साथ संबंध विषाणु के द्वारा कैसे विषाणु के चरम नहीं दो सकते कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोगों ने 17 तक हो गया था पूरा। तो इसीलिए फलाद उत्पत्त मानस न तो हेतु प्रसिद्ध थे, जो पहले से नहीं है वो उत्पन्न होगा, फिर उत्पन्न होकर के वो हेतु बनेगा। जो पहले से नहीं है और उत्पन्न होगा, उत्पन्न जो पहले से नहीं है मतलब क्या हो गया असत कार्यवाद हो गया। जो वस्तु नहीं है हमारे सिद्धांत क्या है न सत्य विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्य है ना, जो वस्तु नहीं है वो उसको उसका भी भाव नहीं हो सकता और जिसका भाव है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो आपने पहले स्वीकार कर लिया क्या पहले विद्यमान नहीं है, क्या फल पहले विद्यमान नहीं है, जो फल पहले विद्यमान नहीं है वो फल उत्पन्न होकर के फिर जो है वो हेतु उत्पन्न करेगा।
ये कैसे हो सकता है जो पहले विद्यमान है कैसे उत्पन्न हो जाएगा। तो सिद्धांत फलाद उत्पत्त मर्जन न तो हेतु प्रसिद्ध थी, वो तो प्रसिद्ध हेतु नहीं हो सकता है वो, क्योंकि आप बताओ बंधा पुत्र जो नहीं है, बंधा पुत्र आकाश को शुभ के समान एक माला बनाया, फिर माला से क्या क्या फिर उत्पन्न हुआ फूल, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो है उससे कैसे होता है, इसलिए असिद्ध अप्रसिद्ध कथम हेतु फल उत्पाद, जो पहले से सिद्ध नहीं है इस प्रकार से हेतु कैसे फल कार्य को, इस प्रकार कारण कैसे कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसका टीका भी हो गया था, टीका का लास्ट लाइन ठीक है। अब जिसका देखिए श्लोक को एक बार पढ़ते हैं, 17 नंबर श्लोक को, फल न ते हेतु प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उत्पादयिष्यति, जो पहले नहीं था और फल से उत्पन्न होकर वो फल से फिर वो फल जो है हेतु के लिए अपने पिता के लिए कारण बन जाए, ऐसा तो होना संभव नहीं है। इसलिए जो प्रसिद्ध नहीं है, जो पहले से विद्यमान नहीं है, वो कोई चीज़ को उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो कोई कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। श्लोक करते हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं सत वादी मते फलम असत सकाशा उपलब्ध चरम इति अर्थ, सदवादियों के मत में है ना सदवन न होना कहते हैं, क्योंकि सदवादी मते फलम असत, फल पहले नहीं था नहीं होते थे उससे असत असकाशा असत सकाशा ये दोनों पंचे में असत के माध्यम से उपलब्धि चरम, फिर जब कोई सद वस्तु उपलब्धि के लिए प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार आप नहीं कह सकते हैं। तथापि कथम हेतु फल और असंबंध ठीक है, ऐसे नहीं दबे हेतु और फल असंबंध कैसे सिद्ध होगा। तथापि 5 नंबर टिप्पणी क्या बोला था, परस्पर सापेक्ष सिद्धत्यपि हेतु के सापेक्ष में फल, फल के सापेक्ष में हेतु, ये जब दोनों पते दोनों असंबंध कैसे होता, संबंध हो गया दोनों सापेक्षिक है ना, इसके सापेक्ष में ये दिखता है इसके सापेक्ष में ये दिखता है, दोनों असंबंध कैसे होगा, दूसरे संबंध वाला होगा, ये कैसे बोल रहे हो आप। तथापि तथे मतलब ठीक है, हमने आपकी बात को मान लिया, क्या मान लिया कि हेतु और फल में आपस में कार्य कर रहे, परंतु असंबंध कैसे बोल रहे हैं आप, तो स्वयं बोल रहे कि इससे इससे असंबंध तो नहीं है वो, इसलिए बोलते हैं परस्पर सापेक्ष सिद्धि करते अभी तथापि कथम हेतु फल है, मतलब हेतु के सापेक्ष में फल उत्पन्न होता है, फल में सापेक्ष में हेतु उत्पन्न होता है, जब एक दूसरे को सापेक्ष रखता है तब दोनों असंबंध कैसे है, दोनों तो संबंध वाला, ये बोलते हैं तथापि कथम तथा हेतु फल असंबंध सिद्ध थी इति आशंका है। अरे भाई तुम जो बोल रहे हो ना जरा सोच करके बोलो, क्या बोल रहे हैं, जो पहले से विद्यमान नहीं है उसके साथ किसका संबंध हो सकता है, विद्यमान होता तो किसी का संबंध रखता, विद्यमान है ही नहीं वस्तु, बंदा पुत्र ना किसी का पिता होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का चाचा होता है, ना किसी का दोस्त होता है, ना किसी का दाऊ होता है, क्योंकि है ही नहीं वस्तु, उसके साथ संबंध कैसे बनेगा। इसीलिए बोलते हैं नहीं नहीं इतर इतर अपेक्षा सिद्ध हो है ना, एक दूसरे की अपेक्षा लक्ष्य सिद्ध होता है जो वस्तु, और वस्तु कैसे सस्य विशाल कल्प है, मतलब खरगोश के सिंह के समान, सर्प के सिंह के समान, ये वस्तु किसी के लिए हेतु नहीं बन सकता है, कार्य कारण भाव है संबंध, इसका किसी के साथ कार्य कारण भाव में संबंध क्वचित न दृष्ट, वो यहाँ से न आया शुरू में कहीं भी नहीं दिखाई देता। शुरू में देखिए ना ही इतर इतर अपेक्षा सिद्ध सस्य विशाल कल्प है, कार्य कारण भाव है संबंध क्वचित न दृष्ट, कहीं भी नहीं दिखाई देता, कहीं भी नहीं दिखाई, इसके बोलते हैं अन्यथा, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अन्यथा वा, मतलब इस प्रकार कार्य कारण भाव भी नहीं होता और आधार आधे भाव भी नहीं होता, आधार आधे भाव भी नहीं होता। आपको कोई पूछे अज्ञान किसके आश्रय में रहते हैं, आत्मा, आपके पास दो ही वस्तु आत्मा अथवा अनात्मा, आपके पास दो वस्तु है आत्मा अथवा अनात्मा, तो अज्ञान किसके आश्रय में रहते हैं, आत्मा के आश्रय में कि अनात्मा के आश्रय में, आत्मा का आश्रय में रहता है, अनात्मा के आश्रय में क्यों नहीं रह सकते, अनात्मा जो है क्या होता है, क्योंकि अज्ञान को से आश्रय करके अनात्मा उत्पन्न होता है, अज्ञान से अनात्मा वस्तु दिखाई पड़ता है, तो जो जिसके आश्रय में उत्पन्न होते हैं वो उसका आश्रय नहीं बन सकता, आश्रय आश्रय भाव भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कहने के ज्योतिष गुरु की अनात्म वस्तु कब दिखाई पड़ता है, अज्ञान से अनात्म वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है ना, तो जब अज्ञान से अनात्म वस्तु दिखाई पड़ता है तो अभी हम आपसे पूछते थे अज्ञान किसका आश्रय में रहते हैं, तो जिसके मतलब जिससे जो उत्पन्न हुआ, जिससे जो उत्पन्न हो वो उसका आश्रय में नहीं रह सकता है, उसका पहले कोई वस्तु उसका आश्रय में रह सकता है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं
अन्यथा अन्यथा बा इति अभिप्राय अन्यथा बा इति आधार आद्यो भाव आदि कथन जो आधार आद्यो भाव बोलते हैं ये भी होना संभव नहीं। कार्यकरण भाव बोलो आधार आद्यो भाव बोलो कुछ भी होना संभव नहीं। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। आप बोल रहे हैं कि देखो ठीक है 18 के लिए उपदखा दिया है हेतु फलयो योग पद्ये सति अन्न तरस्यापि न पूर्वक्षणे सत् इति सत्त अन्न तरस्यापि न पूर्वक्षणे सत्ता इति असत् सद् विषाणयोर् इव अनन्न अपेक्षया जन्य जनकत्व न उपपद्यते सस् विषाणादिषु अपि प्रसंगात इति उक्तम। अब तो क्या कहा हमने हेतु फलयोः है ना हेतु और फल। हेतु क्या हो गया धर्म धर्म नहीं फल हो गया शरीर। योग पद्ये सति यदि वो एक साथ उत्पन्न होगा अन्न तरस्य भी तब क्या हो जाएगा दोनों में से किसी कोई भी एक पहले नहीं रह पाएगा ना हेतु रह पाएगा पुसाद सब उत्पन्न हो रहे फल तो क्या हो जाएगा ना हेतु पहले रह पाएगा ना फल पहले मतलब ना धर्म धर्म पहले होगा ना आपका कार्य मतलब शरीर पहले होगा तो नहीं सब उत्पन्न हो रहे। इसीलिए हेतु फलयोर योग पद्ये सति अन्न सरस्य भी दोनों में से किसी एक का भी ना हेतु का ना फल का ना धर्म धर्म का ना शरीर का न पूर्व क्षणे सत्ता मतलब जिससे जो जिसका कार्य से पहले उसका सत्ता पर नहीं कह सकते हो। क्यों और हमारे कारण का परिभाषा क्या है कार्य से नियत पूर्व वृत्तितम कारण जिसका पूर्व क्षण में सत्ता ही नहीं है वो कारण कैसे बनेगा वो कारण कैसे बनेगा ठीक है ना। यदि आप दोनों को मतलब धर्माधर्म और शरीर दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं यदि आप ऐसे मानोगे यानी कि पूर्व क्षण में कोई विद्यमान नहीं है जब कोई पूर्व क्षण में विद्यमान नहीं है तो उसमें कारण तो कहाँ से आएगा क्योंकि कारण की परिभाषा यही है कार्य से नियत पूर्व वृत्ति। इसलिए बोलते हैं हेतु फलयोर योग पद्ये सति अन्न तरस्यापि न पूर्व क्षणे सत्ता दोनों में से किसी एक को भी मतलब कार्य उत्पन्न करने के लिए उससे पहले उसकी सत्ता नहीं है इति फल तो क्या हो जाएगा असत मतलब जो पहले विद्यमान नहीं है असत वस्तु जिसका विद्यमानता नहीं है सस्य विषाणयो इव जिस प्रकार खरगोश की सिंह है ना सस्य विषाणयो इव अन्योन्य दोनों को बोल रहे हैं द्विवचन प्रयोग के नहीं चाहे फल हो चाहे हेतु हो सस्य विषाणयो इव अन्योन्य अपेक्षा एक दूसरे की अपेक्षा रख करके जन्म जनकत्म मतलब ये उत्पन्न होता है इसका ये जन्म है या जनक है शरीर हो गया जन्म और जनक हो गया धर्मा धर्मादि इसी प्रकार जनक हो गया शरीर और धर्मा धर्मादि हो गया जन्य जन्य और जनक जनक मतलब उत्पन्न करने वाला और जन्म मतलब उत्पन्न होने वाला जनक हो गया हेतु कौन जनक हो गया हेतु और जन्म हो गया फल है ना। अब दोनों में यही है आपका धर्मा धर्मादि भी एक बार जनक है और धर्म धर्मादि एक बार जन्म भी है जनक भी है इसी प्रकार से शरीर भी एक बार जनक भी है एक जन्म भी है। शरीर धर्म धर्मादि का जनक है और फिर धर्म धर्मादि से जन्म भी है यही जो सबसे बड़ी परेशानी होगी। इसलिए बोलते हैं कि जन्म जनकत्व न उपपद्यते क्यों सस्य विषाणादिषु अपि प्रसंगतः यदि ऐसा मानोगे तब खरगोश के से आकाश को सुमंद पुत्र ने भी ऐसे ही प्रसंग वो भी किसी को उत्पन्न कर लेगा वो भी किसी को अविद्यमान वस्तु भी उत्पन्न करने लग जाएगा सस्य विषाणादिषु अपि प्रसंगात उस प्रकार के प्रसंग आ जाएगा। चार नंबर टिप्पणी है वह प्रसंगात ठीक है चार नंबर टिप्पणी प्रसंगादि थी मतलब असत्वादि विशेषात इति मतलब असत्व के जिसका विशेष है जो विद्यमान वस्तु में वहाँ से वस्तु उत्पन्न होने का प्रसंग हो जाएगा ये अभिप्राय से बोल रहे हैं। अच्छा भाई अब जो है प्रसंग चार नंबर प्रसंग इदानीम आप क्या कहना चाहते हैं इदानीम शास्त्र क्या बोलता है पुण्य वै पुण्य न कर्म न पाप पाप के न ठीक है ना। अब क्या देखा आपके कि धर्मा धर्मादि के फलस्वरूप शरीर उत्पन्न शास्त्र वाक्य है ये रमणीय चरण रमणीय जोनि मापदंते कपूर चरण कपूर जोनि मापदंते अगर अच्छा कर्म होगा तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शुद्ध और यदि आपका पाप कर्म होगा तो शानदार शुकर आदि जोनि मिलेगा ऐसा शब्द बोलते हैं यानी कि धर्म धर्म से शरीर प्राप्त होते हैं आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं हो सकता तो तुम्हारी पक्ष में हानि हो जाएगा तुम वेदवादी हो। इदानी पुण्यो वै पुण्येन कर्म न भवति इत्यादि श्रुते पुण्यो वै पुण्येन कर्म न पाप पाप केन पाप क्षेत्र पाप के द्वारा इत्यादि श्रुते इस प्रकार श्रुते से धर्मादिषु हेतुफल भाव आशंका श्रुते असंभावित अर्थे ब्राह्मण अजगात अवश्य पर्यापर्य वक्तव्य ठीक है। अब क्या बोलते हैं देखो श्रुति वाक्य है
अब श्रुति वाक्य जब बोल रहे इससे ये होता है, इदानीं पुण्यो वै पुण्येन कर्म न भवति इत्यादि श्रुते धर्म धर्म आदिषु धर्म अधर्म हेतु फल धर्म धर्मादि अर्षरी पुण्यो वै पुण्येन कर्म न, मतलब पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य शरीर प्राप्त होता है, पाप कर्म के द्वारा पाप शरीर प्राप्त होता है। इसलिए छंद को श्रुति है, छंद को श्रुति पंचाग्नि विद्य में है, वहां को लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा पुरानी पुस्तक में सब शंख दिया, मैं उसको ले लिखा पुरानी पुस्तक में, नया छपाने का उसको हटा दिया, नया छपाने में जो जिसका दिया हुआ तो उतना रख करके संशोधन करना चाहिए, वो कुछ डिलीट कर दिया, जितना कोटेशन का नंबर दिया हुआ था पुराने पुस्तक में वो हटा दिया। इदानी पुण्य वै पुण्य न कर्म न भवति इत्यादि श्रुति, इस पर श्रुति में कैसे धर्मादिशु मतलब धर्म धर्म और शरीर में हेतु फल भाव हेतु फल भक्त में विद्यमान आशंक, इस पर शंका उठा करके श्रुति कहते हैं श्रुति असंभवित अर्थ प्रमाण। अब जो है जो होना संभव नहीं है उस विषय में श्रुति प्रमाण नहीं हो सकता, श्रुति तो संभावित अर्थ में प्रमाण है, श्रुति असंभावित अर्थ प्रमाण अजोगा जो होना संभव नहीं है उस प्रकार की बात को श्रुति नहीं बोलती है। और श्रुति जब बोल रहती है जरूर यहाँ पे होना संभव है, ठीक है ना, इसलिए श्रुति असंभावित अर्थ प्रमाण अजोगता अवश्यम पर्य वक्तव्य, इसलिए आपको जो है इसका आगे कौन है बाद में कौन है ये आपको अवश्य बोलना चाहिए, इति आहुसी को मन में रखते हुए बोलते हैं। क्योंकि पूर्ववाद ही बोलता है देखो श्रुति के ऊपर शंका मत करो, ऐसा श्रुति बोलती है पुण्य वै पुण्य न कर्म न पाप पाप कहना अथवा रमणीय चरण रमणीय जोनि में आप दंत कपूय चरण, मतलब अच्छा आचरण से अच्छा कर्म से अच्छा जोनि प्राप्त होता है, इसीलिए धर्माधर्म से अच्छा शरीर अच्छा शरीर से धर्माधर्म ऐसा तो होता ही है, इसीलिए श्रुति के ऊपर शंका नहीं, श्रुति के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, श्रुति असंभवित प्रमाण अजगत अवश्य, इसलिए अवश्य आपको पर्यापर्य वक्तव्य, आपको कौन पहले है कौन बाद में ये आपको बोलना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। अब जो श्लोक में आ जाइए, अच्छा श्लोक में क्या प्रतीक दिया हुआ है, यदि यदि में रस्व का है तो दीर्घ का है, रस्व का मूल में देखिए क्या है, रस्व का है, रस्व का रस्व का मूल में यदि इति यदि इति इति है ना, वहाँ पे प्रतीक ऐसा लिखता है ना, तो आप स्वीकार को दीर्घ कर करना है, स्वीकार को दीर्घ स्वीकार करती यदि यदि होता ना जब वहाँ पे मूल में ठीक है, जहाँ पे प्रतीक है ना प्रतीक में जहाँ पे दिया हुआ है स्वीकार दिया है प्रतीक में है ना, वहाँ पे प्रतीक में हो जाएगा जब इति हो जाएगा, जहाँ पे अभी हमने टीका पार के समाप्त किया ना वर्या पर्यम वक्तव्य इति आहु, उसके बाद क्या लिखा यदि इति हर्षय दिया हुआ, हाँ तो उसको दीर्घ स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मूल में है जब वहाँ पे वहाँ पड़ेगा तो जब इति हो जाएगा, मूल में हर्षय है मूल में देखिए यदि इति है, देखिए मूल में यदि हेतु हर्षय है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वीकार करना पड़ेगा, यदि इति दीर्घ स्वीकार करना पड़ेगा। अब श्लोक में आ जाएगा यदि हेतो फलात् सिद्धि, यदि हेतो फलात् सिद्धि फल सिद्धिश्च हेतुतः, फल सिद्धिश्च हेतुतः कतरत् पूर्व निष्पन्नम्, कतरत् पूर्व निष्पन्नम् यस्य सिद्धि अपेक्षया, जस्य सिद्धि अपेक्षया यदि हेतो फलात् सिद्धि, फला सिद्धिश्च हेतुतः कतरत् पूर्व निष्पन्नम् यस्य सिद्धि अपेक्षया। तुम्हारे मन में यदि यदि मतलब जो तुम्हारे मत में यदि ऐसा हेतु हो, मतलब हेतु का सृष्टि बने फलात् सिद्धि, फल से हेतु का सिद्धि होती है, फल से हेतु का सिद्धि होते हैं उन पहले, मतलब शरीर से धर्म धर्म सिद्ध होते हैं, धर्म धर्म पहले वही है, इसलिए फलात् हेतु सिद्धि फल सिद्धिश्च हेतुतः, और शरीर क्यों प्राप्त होता है धर्म धर्म कार्य धर्म धर्म फल भोगने के लिए, इसीलिए जो है यदि हेतु हो फलात् सिद्धि, यदि हेतु का फल से सिद्धि होती है और फल सिद्धिश्च हेतुतः, ये फल सिद्धि में और फल सिद्धि में भिन्नता क्या है, एक संधि है मतलब समास पद है और एक जगह समान अलग है, और वहाँ पे मतलब फल से सिद्धि फल सिद्धि किंतु वहाँ पे तब एक अक्षर बढ़ जाएगा, इसीलिए वहाँ पे हाँ इस फल सिद्धि कर दिया,
या भी उसे फल से हेतु हो सिद्धि, हे फलात हेतु हो सिद्धि, फल से हेतु की सिद्धि होती है। इसी प्रकार हेतुतः फलस्य सिद्धि, हेतु से फल की सिद्धि होती है सिद्धि। अब यदि ऐसे ही है तो आपको निश्चय करके बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, इन दोनों में से कौन पहले, इन दोनों में से कौन पहले, कतरत पूर्व निष्पन्नम, माना कौन स्वतंत्र सिद्ध होता है वो तो हम सत्य मानेंगे, है ना। दस सिद्धि अपेक्षा है, जो सिद्ध होता है उसकी अपेक्षा से तो अगला मान सकते हैं। दोनों में से कौन पहले जो स्वतंत्र शुद्ध रूप से सिद्ध होता है, यदि ऐसा कोई है उसकी सिद्धि का अपेक्षा से मान लेंगे आगे ऐसा हुआ है, यदि ऐसा नहीं है तो आप नहीं भूल सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कतरत पूर्व निष्पन्नम, दोनों में से कौन पहला संपन्न होगा, जिसकी सिद्धि की अपेक्षा से अगला सिद्ध होगा, चाहे वो हेतु अथवा फल हो। क्योंकि आपने हेतु की सिद्धि फल से और फल की सिद्धि हेतु से ऐसा कहा, तो दिन दोनों से कौन पहले। अब जब नहीं बोल पाओगे तब तो क्या हो जाएगा, हमने आपको हमने प्रश्न पूछा, शास्त्रार्थ हो रहा है, आपको हमने प्रश्न पूछा, आपने कह दिया ये तो मैं जानते ही नहीं। इधर आपने कहा क्या क्या है, आपने कार्य सुनियो तो पूर्व व्यक्तित्व कारण, कारण की परिभाषा दिया और कारण पहले होना चाहिए। अब बताइए इन दोनों में कौन पहले, बोलते नहीं जानता हूँ। तब क्या हो जाएगा, ये आपकी मूर्खता की लक्षण है ना। प्रतिज्ञा करके यदि उसको पुष्ट नहीं कर पाते हो, शास्त्रार्थ में उसका निग्रह स्थान बोला जाता है, मैंने भाई बोल दिया और क्या बोला उसका अर्थ हम स्वयं नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या बोला उसका अर्थ हम स्वयं नहीं समझ रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है। उसके ये मूर्ख के लक्षण जानते हैं, मूर्ख के लक्षण ये है राजा विक्रमादित्य, एक बार राजा विक्रमादित्य उनका स्वभाव तो अकेला निकल जाते थे, घूम लेते थे और उनके कभी तो कालिदास थे उनके। तो एक दिन ऐसा निकले तो दो माताएं शायद कोई हम शायद में खड़ा लेकर के जा रहे थे, कुछ बहुत बात करते करते राजा जो है ना यहाँ बीच में से निकल के चला गया। तो बीच में से एक माता बोल मूर्ख हो या महाराजा, मूर्ख है मृत ऐसा बोला, राजा कुछ नहीं बोल पाए भाई, क्योंकि राजा को मूर्ख का लक्षण पता नहीं था। तो उसको सोचा कार तो कोई बताएगा नहीं, दूसरा दिन कालिदास जो अंदर आए मूर्ख है और कालिदास, राजा ने बोल दिया राजा के बोलना भी प्रचार तेरे कालिदास कह दिया, तुम मूर्ख के लक्षण बताएगा तो मैं जान लूंगा। तो कालिदास बोलते हैं गतम न सोचा मैं, कृतम न विस्मरा मैं और ताभ्यम न तृतीयोस्मि, कथम भावयम अहम मूर्ख। गतम न सोचा मैं मतलब जो चला गया हो गया उसके लिए मैं शोक नहीं करता हूँ, परंतु कृतम न विस्मरा मैं, कोई मेरे लिए कुछ किया तो उसको मैं भूलता नहीं। दाभ्यम न तृतीय अश्मि, दाभ्यम दाभ्यम न तृतीय अश्मि, दोनों के मैं बीच में नहीं, मतलब कोई दोनों बात करे उसके बीच में कान लगा, द्वितीय अश्मि दाभ्यम न तृतीय अश्मि, दाभ्यम न तृतीय अश्मि, दोनों के बीच में मैं तृतीय नहीं बनता हूँ, मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। लास्ट वर्ड क्या है, दाभ्यम न तृतीय, कथम भवेयम अहम मूर्ख, भवेयम मैं कैसे मूर्ख, भवेयम मतलब पोटेंशियल मूर्ख, मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूँ। मतलब ये तीनों का अंदर कोई करेगा तो मूर्ख है, जो गतम न सोचा, हाँ मतलब जो हो गया उसके ऊपर हमारे कुछ हाथ नहीं, उसको लेकर शोक करे कई सालों तक शोक करते रहते हैं, मूर्खों के लक्षण तमो मूर्ख के लक्षण। और क्या बोलते हैं कृतम में विस्मरण, मतलब कोई आपको कुछ किया आप किसी से आपको लाभवान हो गए उसको भूलना नहीं, समय आने पर उसको कृतम दूसरा कोई नहीं करती, दूसरा कोई आपके लिए कृतघ्न नहीं बनना है, उपकार को याद रखना है, उपकार को याद रखना, उपकार को याद रखना, और किसी को ये किया उसको नहीं सोचना, कृतम गतम न सोचा। दाप ये दिस इम्पोर्टेंट थी, दाभ्यम न तृतीय वर्ष, मतलब दो व्यक्ति के बीच में नहीं बनना, दो व्यक्ति रास्ते बात कर बीच में से आप चले गए नहीं बोलते, दो व्यक्ति वो भी आए उससे भाई बोला। और यहाँ पे बोलता भी दो व्यक्ति कम ने बात करे क्या बोल रहे सुन, ये क्योंकि उससे आपका कुछ लाभ होने वाला नहीं है अंदर, ये मूर्ख का लक्षण। अब तो अब राजा समझ गया, बोले दो माताओं के बीच में से चल पड़े थे इसीलिए बोल दिया थी कि मूर्ख बन गया। शांति यदि उदासीन रहना, अनपेक्षा उदासीन रहना और उपेक्षा करना, और शांति यदि आपका अधिकार है तो आप शांति के लिए जा सकते हैं, तो आपके ऊपर दोनों टूट पड़ेंगे ऐसा भी तो होता है। इसीलिए
यहाँ पे जो है मूर्ता के ये लक्षण है। चौथा लक्षण क्या बोला यहाँ पे कि आपने कुछ प्रतिज्ञा किया स्वयं आपका उसका अर्थ पता नहीं है, ये मूर्ता का लक्षण है। शास्त्रार्थ में इसको मुख्य लक्षण देते हैं। प्रतिज्ञा किया मतलब आपने आपने बोला कि हेतु पहले होता है, हेतु और फल में संबंध होता है, हेतु पहले होता है। और परंतु अब यहाँ पे आप नहीं बोल पा रहे हो कि यहाँ का धर्म धर्म पहले है कि शरीर पहले, नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमने ऐसा सुना था वैसा बोलना पड़ेगा। तो आप जो है उसको ऊपर दूसरा नहीं बोला, आप अपने सिद्धांत को बनाया है, बोलने के प्रसंग है तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं बोलता हूँ, पंडित लोग बोलते हैं, कब से बोलते हैं, वो प्रसंग स्थान के ऊपर है। तो यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं कि इदानीं पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति इत्यादि श्रुतेः धर्माधर्मादिषु हेतुफलभावम् आशंका श्रुतेर असंभावित अर्थे प्रामाण्य अजगतन रखने। इस चीज को जो श्रुति बोलते असंभावित अर्थ में श्रुति जो है कभी नहीं बोल सकती है, अवश्य निश्चित ही आपको पौर्वा पर्यम वक्तव्य आपको पूर्वा पूर्व को बोलना चाहिए। श्रुति तो बोला है पुण्य से पुण्य होता है, पुण्य में पुण्य न कर्म ना, मतलब पुण्य कर्म से पुण्य शरीर मिलता है। तो ये अब अगर पूर्व मीमांसा वादी इसको अपने पक्ष में युक्ति दे रहे हैं, तो इसको वेदांति क्या बोलता है, ये सारा श्रुति जो है अध्यारोप प्रक्रिया का अंतोपाति है। हम ये निषेध नहीं करते हैं, परंतु ये क्या है अध्यारोप करके सृष्टि को समझाने के लिए हमने इतना मान्यता दिया, वास्तविक सृष्टि होना संभव ही नहीं है। ये तो हमारे मुख्य सिद्धांत है, ये अध्यारोप प्रक्रिया का अंतपति आया हुआ है, जहाँ पे आपको धर्माधर्म आदि सिखा करके धर्माचरण करके अंतकरण शुद्धि की प्रक्रिया है, वहाँ पे ये कहा गया है। ये पारमार्थिक प्रतिपाद्य नहीं है, इसलिए श्रुति अपने आप ही कई बार श्रुति बोलते हैं सृष्टि में हमारी तात्पर्य नहीं है, सृष्टिकर्ता को समझाना हमारा तात्पर्य है। आज तक कोई श्रुति ने सृष्टि के ज्ञान से आप मुक्त हो जाएंगे कहीं नहीं कहा, मतलब सृष्टिकर्ता के ज्ञान से आप मुक्त हो जाएगा, हर श्रुति ऐसा बोलता है। इसीलिए पुण्य कोई पुण्य न कर्म ना जो ये बोला है, इस ज्ञान से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। पुण्य कर्म का फल देने वाला कौन है उसकी ज्ञान चाहिए आपको, तब जाकर मुक्त होता है। इसीलिए हमें बोलते हैं कि पौर्व पर यदि यदि हेतु हो फलात सिद्धि है ना, फल से हेतु की सिद्धि होती है और फल की सिद्धि हेतु से होती है, कतर पूर्व निष्पन्नम, दोनों में से कौन पहले है ये आपको बताना पड़ेगा। एक की सिद्धि होने पर तब दूसरे की सिद्धि होता मान लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे देखिए टीकाकार बोलते हैं श्लोक अक्षराणि योजयति, श्लोक में आए जो अक्षर है पद है उसको अन्वय करते हैं, संपर्क करते हैं भगवान भाषो का। असंबंधता दोषेन अपोदिते अपि हेतु फलयोः, हेतु और फल इन दोनों आपस में संबंध नहीं रखते। असंबंधता दोषेन अपोदिते अपि, असंबंधता दोष मतलब देखिए एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं असंबंधत्व असंभव रूपेण, संबंधत्व असंभव रूपे और असंबंध संबंध होना संभव नहीं है, संबंधत्व असंभव रूपेण दोषेन, संबंध में रहने वाला धर्म होता है संबंधत्व और वो दो में रहता है, संबंध हमेशा दो में रहता है। इसलिए बोलता है ये संबंध होना संभव नहीं होने के कारण, इस दोष के द्वारा दुष्ट होने के कारण असंबंधता दोषेन अपोदिते, मतलब कार्यकरण भाव को निराकरण कर देने पर भी हेतु फलयोर कार्यकारण भावे, जो हेतु कार्यकरण भावे यदि हेतु फलयोर अन्योन्य सिद्धि अभ्युपगम्यते एव तया कथन, फिर आप निषेध कर देने पर भी फिर भी यदि अस्तित्व प्रमाण के आधार पर बोलते हो, क्या बोलते हो नए कार्यकरण भाव है इसमें, किसके मतलब धर्माधर्म और शरीर के बीच में आपस में कार्यकरण भाव है। इसे बोलते कार्यकरण भावे यदि हेतु फलयोर अनन्य सिद्धि, एक से एक की अपेक्षा से दूसरे की सिद्धि होते हैं, मतलब अनन्य सिद्धि मतलब परस्पर कार्यकरण भाव सिद्धि है ना, यदि ऐसा होता है अभ्युपगम्यत ऐसा तुम मानना चाहते हो बताया कतरा पूर्व निष्पन्नम, तब दोनों में पहला कौन है पहले आपको निश्चय करके बताना, कतरा पूर्व निष्पन्नम हेतु फलयो, हेतु और फल में कौन पहले है, यस्य पश्चात भाविन सिद्ध, जिसके बाद में ये जो है मतलब हेतु से फल होता है कि फल से कौन पहले है, ये सिद्ध होगा सिद्धि से फल जो पहले होगा उसका बाद वाला बाद में सिद्ध होगा। यस्य पश्चात भाविन सिद्धि मतलब जैसे हेतु बाद में होगा तो हेतु की सिद्धि होगी, अर्थ कार्य भाव मतलब शरीर बाद में होगा तो शरीर बाद में सिद्ध होगा, इस प्रकार सिद्धि से
पूर्व सिद्धि अपेक्षा या पहले की सिद्धि हो तो बाद वाला सिद्ध होगा, पहले वाला सिद्ध नहीं है कारण सिद्ध नहीं कारण कहाँ सिद्ध होगा, तब ब्रूहित कारण पहले कौन है ये अपन निश्चय करके बोलो, ये अपन निश्चय करके एक लैडी नंबर इसमें देखिए तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती हेतु फलयो, तीन नंबर टिप्पणी में यस्य पश्चात् भाविन, हेतु फलयो यस्य पश्चात् भाविन, हेतु और फल में कौन पहले है जिसकी अपेक्षा करके इसके बाद वाला सिद्ध होगा, ठीक है ना, हेतु फलयो और हेतु और फल इन दोनों के बीच में यस्य पश्चात् भाविन जिसके बाद में, मतलब पहले हेतु और फल है, अब पहले कौन है हेतु अथवा फल है, जिसके बाद में यदि यहाँ पे पहले हेतु है तो फल बाद में होगा, यदि यहाँ पे पहले फल है तो बाद में हेतु होगा, ये पहले बात का सिद्धि होती है, शायद ये कैसे बोलोगे पूर्व सिद्धि अपेक्षा या ये जाए कौन सा पहले आपको बोलना पड़ेगा, तो तीन नंबर टिप्पणी में देखिए ननु हेतु फलम वा पूर्व निष्पन्नम भूयादेव इति, ठीक है ना, पूरा सिद्धांत ही बोल रहे हैं इसमें हेतु अथवा फल किसका निष्पत्ति पहले हुआ ये आपको पहले बोलना चाहिए, ठीक है ना, ननु शंका करने वाले सिद्धांत मतलब आक्षेप कर रहे हैं, ननु हेतु फल वा हेतु अथवा फल पूर्व निष्पन्न कौन पहले निष्पन्न है संपादित हुआ है गुरुयादेव उसको बोलना चाहिए इति कि मात्र आक्षिप्य थे, इसके ऊपर आक्षेप क्या है कतरा पूर्व निष्पन्न इसमें से, क्योंकि आप आक्षेप क्यों करते हो सिद्धांतवादी मतलब पूर्ववादी जो मतलब पूर्व मीमांसा दर्शन क्या बोल रहे हैं, अरे हम श्रुति प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं पुण्य भाई पुण्य न कर्म न पाप पापे करने से इसको आक्षेप क्यों करते हो, तो श्रुति वाक्य है कतरा पूर्व निष्पन्न इति आशंक, इन दोनों में पहला कौन निष्पन्न संपादित हुआ कौन हेतु अथवा फल में आपको निश्चय करके बताना पड़ेगा पहले कौन निष्पन्न हुआ इति आशंक पूर्व निष्पन्न वक्तव्य विशेषति, जो पहले निष्पन्न होगा उसके आधार पर दूसरा संपादित होगा, जस्य सिद्धि अपेक्षा है यदि पहले ए नामक वस्तु पहले विद्यमान है तो ए की सापेक्ष में उत्पन्न होने वाला वस्तु की सिद्धि होती है, मृत्तिका यदि पहले से विद्यमान है तो मृत्तिका से उत्पन्न वाला घर आदि मृत्तिका के घर कहाँ से उत्पन्न होगा, इसलिए आप बोलते हैं कि पूर्व निष्पन्न तेन वक्तव्य पहले पर संपादित हुआ उसको मन में रख करके बोलना चाहिए, विशेषति जस्य सिद्धि अपेक्षा है मतलब जस्य पश्चात्भाविन जो पहले से है उसका बाद में दूसरा वाला होगा, यदि हेतु मतलब धर्माधर्म पहले है उसका पश्चात्भावी क्या हो जाएगा शरीर, यदि आपका शरीर पहले है तो उसका पश्चात्भावी हो जाएगा धर्माधर्म, इस प्रकार से तब एक बोलना पड़ेगा आपको जस्य इत्यादि पूर्व निष्पन्नतेन वक्तव्यम अपि नासु शतसिद्धं शक्नोति वक्तुम, ठीक है आपने ये बोला हेतु पहले होता है और फल बाद में होता है, परंतु आपने जिसको हेतु बोल रहे हो उसको तो बाद में फल भी बोल रहे हो, यदि ये हेतु है ये फल है ऐसा कहते तो ये पहले है ये बाद में, परंतु जिसको आपने यहाँ पे हेतु दिखाया उसी को बाद में क्या कह दिया ये हेतु हो गया ये फल हो गया ऐसा कह दिया आपने, आप तो कौन पहले था निश्चय तो निश्चय नहीं हो, इसलिए आप बोलते हैं कि पूर्व निष्पन्न वक्तव्य मतलब ठीक है हेतु पहले होता है और फल बाद में होता है ये आपको आपने प्रतिज्ञा किया ठीक है, परंतु अब इन दोनों में कौन पहला ये तो बताओ, वो तो शत सिद्ध होगा ही नहीं कोई, इसे बता पूर्व निष्पन्न तेन वक्तव्य नाशो शत सिद्धम शक्नोति वक्तुम, शत सिद्ध नहीं होता क्यों, क्योंकि आपका हेतु फल के ऊपर सिद्ध होता है और फल हेतु के ऊपर सिद्ध होता है, ठीक है ना, धर्माधर्म का शरीर से सिद्ध होता है और शरीर धर्माधर्म सिद्ध, इसलिए स्वतंत्र रूप से दोनों सिद्ध नहीं होना नष्ट है, इसके तरह सिद्ध वस्तु सिद्ध नहीं होता, हेतु फलयो अन्योन्य सिद्धि अभ्युपगम भंगापत्ति, क्योंकि यदि ऐसा यदि पहले कर हेतु फलयो हेतु और फल अन्योन्य सिद्धि अभ्युपगम मतलब एक दूसरे के सापेक्ष में सिद्ध होता है ऐसा मान्यता भंग आपत्ति उसका भंग प्रश्न ततश्च पूर्व निष्पन्न तेन वक्तव्यस्य अपि, ये पहले इस प्रकार कहने पर ही पूर्व सिद्ध सापेक्ष तेन यदि ये पहले से स्वतंत्र रूप से सिद्ध होता तब हम आपकी मान्यता दे, पहले स्वतंत्र रूप से सिद्ध होता ही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं पूर्व सिद्ध सापेक्ष तेन पश्चात भावित, क्योंकि यदि पहले वाला वस्तु स्वतंत्र सिद्ध होता है तब तो उसके ऊपर आधार करके आप पहले बाद वाला सिद्ध को आप सिद्ध कर सकते हैं, जो पहला वाला वस्तु जो पहले बाद वाले को निर्भर किया हुआ है धर्माधर्म शरीर को निर्भरित है, शरीर धर्म से इसलिए स्वतंत्र सिद्ध होता नहीं है, इसलिए आप बोलते हैं कि पूर्व सिद्ध सापेक्षत्वेन पश्चात् भावित्वा न पूर्व शून्य निष्पन्नत, क्योंकि ये बीज है एक ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए ये स्वतंत्र पहले सिद्ध आप नहीं कह सकते हैं,
ए नामक वस्तु से बी नामक वस्तु उत्पन्न होता है, परंतु बी ए बी के ऊपर डिपेंडेंट भी है, क्योंकि ए नहीं हो तो ए नहीं आ सकता, इसीलिए स्वतंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। पश्चात भावित्वा न पूर्व निष्पन्न शक्तम वक्तु इति आक्षेप अर्थ, इस आक्षेप में ये अभिप्रेत अतिथि था। न जो आप बोलेंगे देखो आप हमारी बात को नहीं समझते हैं, हम जो है ना प्रभाव रूप से इसको अनादि मानते हैं, प्रभाव रूप से इसको अनादि मानते हैं। अच्छा बताओ, ये जो एक होता है संतान और एक होता है संतति, संतति मतलब प्रभाव, ये प्रभाव किसका प्रभाव होता है? संतान का प्रभाव होता है, संतान की प्रभाव। अब जब संतान ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो संतति कहाँ से सिद्ध होगा? बोला ना यहाँ पे कि हेतु फल प्रवाह रूप में धारा अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनादिकाल से शुरू हुआ, ये हमारे गांव पे ब्रह्म सूत्र में नहीं गए अनादि मान करके कह दिया, परंतु ये बताओ जी तुम जो धारा नदी की धारा अनादिकाल से मैं यहीं पे जब से आया 40 साल से मैं यही गंगा जी को यहाँ बहते हुए दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना, परंतु ये गंगा जी की धारा किस रूप में बहते हैं? जलबिंदु के ऊपर आधारित है, क्योंकि जलबिंदु सिद्ध नहीं होता तो ये धारा कैसे दिखाई देता, ठीक है ना, जलबिंदु की ना, जो जलबिंदु में आज अभी क्षण देख रहा हूँ अगला क्षण में मेरे को वही जलबिंदु नहीं दिखाई दे रहा, आगे बढ़ गया तो नदी वही है, हमने मान मानता है, हमने मान मानता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि न च हेतु फल प्रवाह अनादित्व उपममा, क्योंकि हेतु और फल की जो प्रभाव है वो अनादि है ऐसा मानने के कारण कतरत पूर्व निष्पन्न आक्षेप, इसलिए कौन इसमें पहले है इस प्रकार आक्षेप नहीं कर सकते हो, तो आक्षेप तुम्हें वो शक्यते इति न जवाच्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए शास्त्रार्थ में, तुम यदि कहते हो कि ये पहले है तो पहले मान करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं जो न जवाच्य मानना होगा। हेतु फल प्रवाह से हेतु और फल की जो धारा प्रवाह है अनादित्य उपगमाती अनादिकाल से ऐसे चलता रहे ऐसा हमारी मान्यता होने के कारण कतरा पूर्व निष्पन्न, इन दोनों में पहले कौन पहले उत्पन्न हुआ इति न आक्षेप तुम, इसको प्रकार से तुम आक्षेप नहीं कर सकते, तुम्हें वो शक्त इस पर आक्षेप तुम नहीं कर सकते इति, यदि ऐसा तुम कहना चाहते न जो बच्चों ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्यों? शास्त्रार्थ में ऐसा नहीं मान सकते हैं हम, तद अनादित्य अनुपदम एव बीज अंकुराख दृष्टांत इति अत्र खंड समानत्वाद इति अवधम, ये जो अनादि माना ना और अपने बीजांकुर न्याय के द्वारा ये अगली हम खंडन कर देंगे आपको कि आप बीजांकुर दृष्टांत तो देख करके आप जगत के प्रभाव भी क्या बोले तो अनादि है, बीजांकुर दृष्टांत तो अभी तक नहीं सिद्ध ही नहीं हो पाया, बीज पहले वो भी तो साध्य समय है, ये दृष्टांत तो अभी तक सिद्ध नहीं होगा, तो उसको दृष्टांत तो देकर अपने अनुमान को सिद्ध कर दो, क्या यदि कोई उभय पद सम्मत दृष्टांत है तब तो आप उसको दे सकते हैं, बीजापुर ने आप बोल देते हैं परंतु बीजापुर ने ठीक है सभी बात इन्हें मान्यता दिया, परंतु मान लो को कार्यकार यहाँ पे आकर अकड़ गए तो हम नहीं मानते हैं इसको, उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, बीजापुर ने क्या करेंगे यहाँ, इसलिए बोलते हैं तत् अनादित्य अनुपदम एव, ये जो बीज वो जो अनादित्य आगे ठीक अगले श्लोक में जाके बीजापुर ने कहा अनुपद मतलब 20 नंबर श्लोक में जब बीजापुर दृष्टांत बोल रहे हैं अनुपदम बीजापुर दृष्टांत नहीं ना वहाँ पे बीजापुर दृष्टांत सदा सत्य समित, इसको भी बोल रहे हैं ना, इसको अभी हम खंडन करने वाले दृष्टांत इति अत्र खंडयिष्यमानत्वात्, अब ये भी खंडन करने योग्य होने के कारण खंडयिष्यमानत्व फ्यूचर पार्टिसिपल है, आगे इसको भी खंडन किया जाएगा इस कारण से इति अवधेयम, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तो बीज अंकुर न्याय के द्वारा जो जगत को अनादित्व तो कथन करके दोनों में कौन पहले है ये सिद्ध नहीं कर सकता, बल्कि इसी से तो हम सिद्ध करते हैं कि सृष्टि होना संभव नहीं है, इसी से हम सिद्ध करते हैं सृष्टि होना संभव नहीं है, यह एक्टिव ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से, ये श्रुति जो है अज्ञानियों के लिए है ज्ञानी के लिए नहीं है, अज्ञानी को समझाने के लिए अज्ञानी के जो मान्यता है उसी के आधार पर ही उसको समझाते हैं, पुण्य वै पुण्य न कर्म न पापो पापो के न, जैसे हमने मान्यता दे रखी उसी के आधार पर बोलते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए, जब इनको ये समझ में आता है कि हमको इससे बाहर आना है तब ये सारा सत्य सिद्धांत धीरे 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 आपके सामने जो है क्यों इसको कहा गया, हम श्रुति को निषेध नहीं करता ये क्यों कहा गया तब समझ में आता, तब समझ में आता, इसलिए 3 नंबर टिप्पणी टिप्पणी का अच्छी तरह से समझा गया, ठीक है 18 नंबर। अब जो है इस प्रकार के शास्त्रार्थ में यदि आप नहीं बोल सकते तो आपकी प्रतिज्ञा हानि अथवा आपको अप्रतिभान अथवा आपको वहाँ पे शास्त्रार्थ में 3 चीज होता है, एक होता है आपका
जाति छल और निग्रस्ता, जाति छल और निग्रस्ता। छल उसको बोलते हैं, हमने एक शब्द प्रयोग किया और उस शब्द का जो दूसरा अर्थ है आपने उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करके हमको उत्तर दिया है, इसको बोलते हैं छल। ये छल के सूत्र नए दर्शन में वचन विघात अर्थ विकल्प उपपत्या छल, ये एक दो दस वचन विघात अर्थ, वचन विघात अर्थ विकल्प उपपत्या, मतलब आपके वचन को खंडन करने के लिए, आपके वाक्य को खंडन करने के लिए विकल्प उपपत्ता, उसमें दूसरा अर्थ हो सकता है उस युक्ति के द्वारा जो कथन किया जाता है उसको छल बोलते हैं। इसको क्या बोला, 2/2 1 to 10 1 to 10 प्रथम अध्याय नहीं पहला दर्शन, दूसरा अधिक का दशम खंड सूत्र है, वहाँ पे अभिप्राय क्या, देखो ये चीज हम सब समझते हैं। जब भगवान भाष्यकार कहाँ पहुँचे, मंडन मिश्र के घर पहुँचे, कुतो मुंडी पूछा, हाँ तो बोलते हैं एक अरे मंदिर एक सन्यासी मुंडी, मतलब सन्यासी को बोला, उससे मैथा नल मुंडी बोलते हैं तुम कहाँ से आए, तो कुतो शब्द का तो कहाँ से होता है। शंकराचार्य उत्तर दिया आबलात, आबलात मतलब मुंडन कहाँ तक किया तुमने, बोलते हैं गले के ऊपर तक। उसने पूछा कि ये मुंडी ये मुंडन धारी व्यक्ति तुम कहाँ से आए, अब देखो मुंडी शब्द का अर्थ क्या कर दिया, कहाँ तक मुंडन किया तुमने, बोलते धारी मुत्सव करा तक हम सब मुंडन किया। ये जो प्रश्न का अभिप्राय था आप कहाँ से आए, उत्तर कैसे दिया कि मैं कहाँ तक मुंडन किया, ये छल है, गुस्सा हो रहा था वो किम पीत, वो बोलते कि क्या मतलब पीता मतलब हल्दी होता है, बोलता हल्दी पीला है किम पीता, मतलब आपने क्या बोला कि शराब पी रखा क्या, और पीता शब्द का पीता मतलब पान करना, पीता शब्द का तो पीला भी होता है, तो वो उत्तर दिया कि हल्दी पीला होता है, मतलब ये मतलब ऐसे ही एक शब्द आपने प्रयोग किया किसी अर्थ को लेकर के, परंतु आपकी वादी ने उस शब्द का जो अर्थांतर है तो उसको ग्रहण करके आपको उत्तर दे रहे हैं, ये छल के मुंडन मिश्र पूछा था किम पीता, हाँ वो जवाब दिया हल्दी, हल्दी ऐसा कुछ वो बोला था, उसने वो अभिप्राय था तुमने क्या पी करके आया, भांग या तो चटा पी के आया क्या, मैं पूछ रहा उत्तर ऐसा दे रहा, उत्तर दे रहा नहीं पीला वस्त्र पीता हल्दी पीते, इस प्रकार उत्तर दे दिया ऐसा, मतलब पूछा कुछ और उसका उत्तर दे दिया, क्योंकि ऐसा ही कोई शब्द आपने ऐसा प्रयोग किया जिस शब्द का कोई वैकल्पिक अर्थ, बोला ना कि वचन विघात अर्थ, मतलब आपने जो कहा उसको खंडन करने के लिए विकल्प उपपत्ता, उस शब्द का यदि कोई विकल्प है उसको ग्रहण करके जो शब्द प्रयोग किया जाए उसको छल बोलते हैं। और दूसरा क्या, एक छल दूसरा कपट, जाति जाति, ये तो आपको तो लॉ में तो ये खो आता है पूरा पे पूरा जो हमारा कोर्ट कचहरी है ना, ये छल और जाति के ऊपर निर्भर ही होता है। जाति में क्या, नहीं ये स्वधर्म विधर्माभ्याम प्रत्यवस्थान जाति, स्वधर्म और विधर्माभ्याम मतलब जिसमें जो धर्म है उसको और उसके विपरीत धर्म, जिस प्रकार मान लीजिए स्वधर्म विधर्माभ्याम प्रत्यवस्थान आपको विरुद्ध में खड़ा हो जाना, इसको बोलते हैं जाति पानी में गिर गया, आप उसको उठा रहे हैं, उठा हाथ पकड़ के खींचा, तो उसका उसका अभिप्राय था उसको बचाना, मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है देखो किसी को हाथ पकड़ के खींचे उसको छीना गलती करता है, इस प्रकार को जो बात को बोल देना, मतलब हमने कुछ अभिप्राय से बोला। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मित्र और उनकी पत्नी आई थी, उनको ले गए थे नेताला, नेताला में जो दिव्यानंद स्वामी का समय नीचे उतरना पड़ता है ना ढाल में, अब उनकी पत्नी को जो है घबरा गई, वो बैठ गई नीचे, अब रास्ते में और कोई है नहीं, और उनका पति उठ कुछ रुख है तो उसको उठाना चाहे तो उठ भी नहीं पाए, अब फिर क्या करूँ मजबूरी में तो उठा, तो मैं खुद ही हंसते हैं, मैं अच्छी दूसरा कोई देख रहा तो क्या बोलेगा, देखो एक महात्मा किसी माता को पकड़ के खींच रहे हैं, परिस्थिति ऐसा बोल ही सकते, उसका कोई दोष नहीं है, परंतु ये बेचारे उठ नहीं पा रहे, मतलब भगवान रक्षा करते हैं, पीछे से वो लेडीज टीचर स्कूल जाने के लिए आ रहे थे, क्या हो गया समझ, मैं बोला ऐसे ऐसे कर, तो उन लोगों ने पहुँचा,
तो ये जो मतलब स्वधर्म विधर्म अभ्याम, मतलब मैंने तो अपना स्वधर्म पालन करने के लिए पर उसके विधर्म रूप में देखे, देखो मैं स्वधर्म पालन किसको रक्षा करना, विधर्म क्या हो गया ये देखो माता के पकड़ के खींच ले, इस प्रकार का जो प्रत्यावस्थन बोलना ये जो है जाति बोलते हैं। जाति क्यों, इसको जाति से क्या मतलब, वो मुझे पता नहीं है, उनका शब्द प्रयोग है इसके जाति से क्या मतलब, एक इसका शब्द प्रयोग है। और एक जो है निग्रह स्थान, निग्रह स्थान क्या होता है कि आपने अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति निग्रह स्थान, ये छल जाति और निग्रह स्थान, अप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति मतलब क्या हो गया कि जो आपको नहीं समझना अथवा उल्टा समझ लिया, हमने कुछ कहा और उल्टा समझ लिया, इच्छा करके या नहीं समझ, यदि इच्छा करके है तब तो मैं समझा आपकी बात को समझा तब छल हो जाएगा, तब तो छल हो जाएगा, समझ ही नहीं पाया अथवा वो उल्टा समझ गया तब आप निग्रह स्थान हो जाएगा, मतलब क्या हो गया आपने समझ नहीं पाया तो उत्तर नहीं लेंगे और उल्टा समझे उत्तर देते समय आपको गलत उत्तर देंगे, इसलिए जो है ये तीन को लेकर निग्रह स्थान का निग्रह स्थान के आएगा, यहाँ पे आएगा अभी नंबर क्या है, जैसे 1/1 वो भी है, वो 90 कितना आपकी सूत्र संख्या है, वो 19 है, 1 to 19 एक मिनट वहाँ पे आएगा निग्रह स्थान भी, हाँ जब मानें छल और निग्रह स्थान जस्ट ऑपोजिट है ना, छल में हम जान नहीं, छल मतलब आप जानबूझ के शब्दों के अर्थों को बिगाड़ करके उत्तर दे रहे हैं, निग्रह स्थान मतलब आपने नहीं समझ के उत्तर दे रहे हैं, ये आपका पराजय का स्थान होगा, निग्रह स्थान मतलब पराजय स्थान, वो आपके उत्तर को देख सुन के जो है जो मतलब वो बैठे रहता है, तो व्यासदेव जी बीच में बैठे हुए थे, मतलब जब हमारे मंडल मिश्र अपने पूर्व पूर्व मतलब पितरों की कर्म कर रहे थे वहाँ पे सन्यासियों का आना मना है, इसलिए दरवाजा बंद करके कर रहे थे, वो भी थे जयमिनी भी बैठे, हाँ जयमिनी भी बैठे हुए थे, शंकराचार्य जाने का बाद दोनों चला गया, हाँ भगवान नहीं व्यास जब ऐसे शास्त्रार्थ होने लगा फिर थोड़ा सन्यासी के लिए कुछ अपशब्द बोला है जो कहाँ से चोट की तरह घुस के आ गया ऐसा बोला, तब व्यासदेव जी ने उनको समझाया अरे ये सामान्य सन्यासी के लिए, व्यासदेव जी तो भेजा था उनको वहाँ पे, अब तो कुमारी भट्ट के माध्यम से उनको तो पता था, ये लोग तो सब जानते हैं सूक्ष्म की कहाँ क्या होने वाला है, तो उसको पता है कि सामान्य सन्यासी नहीं है तुम्हारे साथ, तो शास्त्रार्थ कर कुछ काम किया है उनके साथ, कुछ अपना हुआ तब उठ करके वो ठीक से रेफरी का काम जानते हैं क्या, पहले से उभय भरत विद्यमान है, सरस्वती के अवतार वहाँ पर पहले विद्यमान है, देखिए कितना उनकी पत्नी को अपने जज के रूप में लगते थे, अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं आगे, तो इस प्रकार से ये जो है हम अपने जो है ये छल के आश्रय करके बोलेंगे अभी यहाँ पर, प्रतीति तो हेतु फलयोग अब देखिए हम लोग कहाँ पे 16 नंबर ठीक है ना, उसका टीका में देखिए प्रतीति तो हेतु फलयोग हेतु फलयोग उत्पत्ति उपगंतव्यत्वात् अच्छा पीछे पढ़ने में चले, हाँ अशक्ति का प्रतीक है हेतु फलयोर, हाँ वो दोनों में ही नहीं देखिए हेतु फलयोर इदम पूर्वम इदम पश्चात इति न ज्ञायते, ठीक है यहाँ से होगा ना, ठीक है हेतु फलयोर इदम पूर्वम इदम पश्चात इति न ज्ञायते, क्यों परस्पर आश्रयत्व, अरे महाराज हेतु और फल में संबंध है या नहीं, वेदांती क्या बोलते हैं, यदि वेदांति की पारमार्थिक सिद्धांत तो देखेंगे कोई हेतु फल भाव कहीं पर प्रातिभाषिक आपको प्रतीति होती है, हेतु फल की प्रतीति होती है पारमार्थिक पारमार्थिक शुद्ध, इस प्रकार आप रज्जु से सर्प की उत्पत्ति होती है, रज्जु को ऊपर जो दिखाई दे रहा है सर्प उस समय क्या लगता है, रज्जु को ऊपर सर्प की उत्पत्ति हुई, मतलब जब ज्ञान हो जाता है तब हमको क्या निश्चय होता है कि तीनों काल में सर्प की उत्पत्ति कभी है नहीं, मेरी प्रतीति मात्र थी, ये वेदांति की पारमार्थिक सिद्धांत, बाकी हमको व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं उसको लेकर के बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं हेतु फलयोर इदम पूर्वम इदम पश्चात इति न ज्ञायते, हेतु और फल में ये पहले है ये बाद में है ये इस प्रकार से आप नहीं कह सकते, ये वेदांती बोल रहे हैं, ये वेदांती बोल रहे हैं हेतु फलयोर इदम पूर्वम इदम पश्चात इति न ज्ञायते, ये जाना नहीं जा सकता, क्यों परस्पर आश्रयत्व, क्योंकि हेतु से फल सिद्धि होते हैं फल से हेतु सिद्धि होती है, इसलिए अतश्च इदम पूर्व निष्पन्न विधि वक्तुम अशक्तम, इस कारण से ये पहले है ये पहले से सिद्ध है ये तुम कह नहीं सकते, ठीक है ना, अतश्च इदम मतलब हेतु अथवा फल में हेतु फल पूर्व निष्पन्न पहले से सिद्ध है इति न वक्तुम शक्यते, तुम नहीं बोल सकते इति आह,
ठीक है ना, इस प्रकार मन में रखते हैं वहां पे देखिए बोलते हैं अशक्तिरपरिज्ञानम् क्रमकोपोथवा पुनः एवं हि सर्वथा बुद्धै अजाति परिदीपिता अशक्तिरपरिज्ञानम् क्रमकोपोथवा पुनः एवं हि सर्वदा बुद्धै प्रजाति परिदीपिता। बोलते हैं कि यदि तुम ये नहीं बता सकते हो, मतलब क्या कि तुम जो है कि इसमें कौन पहले है ये हम नहीं बता सकते हैं, तो प्रतिज्ञा तो कर दिया आपने कि हेतु पहले है, और हेतु को तुम पहले सिद्ध नहीं कर पा रहे, फिर कुछ खेती फल के ऊपर होता है, इसलिए बोलते हैं अशक्ति, ये जो तुम्हारा बोल असमर्थता, ये जो असमर्थता ये अपरिज्ञान हो, तुम्हारे कम ज्ञान की परिचय है, तुम्हारे कम ज्ञान की तुम्हारी कृपणता है, क्योंकि यदि इसको ठीक से समझ लेता तुम कहते उत्पत्ति होने संभव नहीं, उत्पत्ति होने संभव, इसलिए अशक्ति अपरिज्ञान ये तुम्हारी मूर्खता असमर्थता की पहली कारण है। और क्रम को अथवा पुनः अथवा तुमने जो क्रम की प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा हानि क्रम को मतलब प्रतिज्ञा तुम्हें क्या क्या प्रतिज्ञा किया, हेतु पहले अपने कारण से, तो अब हेतु को तुम पहले स्वतंत्र सिद्ध ही नहीं कर सकते, इसलिए ये तुम्हारा क्रम को मतलब आपका प्रतिज्ञा हानि दोष हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक अप्रतिभान मतलब मूर्खता, और एक हो गया प्रतिज्ञा हानि, दो दोष के द्वारा तुम शास्त्रार्थ में पराजित हो जाओगे। एवं परंतु इस प्रकार समझ करके बुद्धिमान व्यक्ति क्या निर्णय के एवं ही सर्वथा बुद्धे, इस प्रकार होने के कारण ही बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा अजाति ही परिदीपिता जन्म होना संभव नहीं है, ऐसा प्रकाशित किया है ना, और उसको प्रकाशित किया, इसलिए दोष प्रत्येक पंडित सभी वस्तु को अनुपत्ति करते हैं का विद्यमान बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, बुद्धे मतलब बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा उत्पत्ति पारमार्थिक होना संभव नहीं है, इसी को प्रकाशित किया गया परिदीपिता अजाति ही परिदीपिता, ठीक है। अशक्ति अपरिज्ञानम क्रम को अथवा या तो आपका मतलब अप्रतिभान रूपी अथवा आपका प्रतिज्ञा हानि रूपी दोष है, दोनों में से दोनों दोष के द्वारा आपके शास्त्रार्थ में आप पराजित हो जाओगे, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में क्या करते हैं, जैसे खंडन अखंडन खाद्य में जो हमारे श्रीहर्ष ने पूर्ववादिक मतलब न्याय के सारा पदार्थ खंड तुम्हारा पदार्थ क्या, वो तो हमारे पदार्थ तो प्रतिपदन दिया ही नहीं जाते, वो मन वाने की गम ही नहीं है, हम कैसे बोले उसको, सीधा सीधा बोलते हमारे पक्ष में तो तुमने जो इतना पदार्थ माने हुए हैं वो पदार्थ खंड नहीं है, शास्त्रों को कुछ नहीं बोलते इतने, इसलिए हम देखिए यहाँ पे टीकाकार, हाँ ये विप्रतिपत्ति अप्रतिप्रतिष्ठा निग्रह स्थान, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिष्ठा निग्रह स्थान 1290 ये नए दर्शन की सूत्र है, नए सूत्र है, विप्रतिपत्ति मतलब विरुद्ध कथन करना, अप्रतिपत्ति नहीं समझ पाना, ये दोनों को निग्रह स्थान माना जाता है, निग्रह स्थान माना जाता है ना, ये 1290 तो तीन सूत्र बताए आपका नए दर्शन के, छल जाति और निग्रह स्थान, इन तीनों का आधार पर शास्त्र होता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेतु फलयोर इधर ये पढ़ लिए थे, टीका में देखिए उत्तर अवसरे चेत उत्तर अपरिज्ञानम, जब आपने हमने प्रश्न पूछा इसमें कौन पहला है, आपने पहले क्या प्रतिज्ञा किया, हेतु पहले है और फल बाद में है, कार्य सुनियो तो बोलते कारण, तब हम पूछा इन दोनों में आप जब इसमें कार्य कारण भाव मानते हो तो कौन पहले है बोलो, तब सर कुछ लगे बोल रहे कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा मतलब मूर्खता, मतलब जो तुमने प्रतिज्ञा किया उसका अर्थ तुम नहीं जानो, इसलिए बोलते हैं उत्तर अवसर चेत उत्तर अपरिज्ञानम तरी कथक अशक्ति पूर्व अशक्ति सूचकम तन निग्रह स्थानम अप्रतिभान अप्रतिभा अभिधायिनम आपतति इति अर्थ, इसको अप्रतिभान मतलब ये जो आपको बोलते हैं जो आपको बोलना चाहिए था आप नहीं बोल पा रहे, आपने प्रतिज्ञा कुछ किया आप उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए बोलते हैं उत्तर अवसारे आपने जो बोला एक चीज प्रतिज्ञा किया, फिर हमने आपसे पूछा ठीक है ये कारण है ये कार्य है, तो आपने जब यहाँ पे बोला कि ये जो है ये कार्य है ये कारण है, तो आप इसमें कौन पहले है वो बताओ, जब तो उत्तर देने के अवसर में चे उत्तर अपरिज्ञान आप कहते नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता,
तरी कथक आशक्ति सूचक मतलब आप पांच नंबर टिप कथक मतलब कथक प्रतिवादीन प्रति उत्तर दान असमर्थ सूचक मतलब जब आपको प्रश्न दिया गया है तब आपको उत्तर नहीं दे सकते इसको बोलते हैं अशक्ति सूचक निग्रह स्थान मतलब अप्रतिभा अप्रतिभा मतलब आपने जो प्रतिज्ञा दिया अपने प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं इसको बोलते अप्रतिभा अभिधाई ना मतलब आप प्रतिभा नाम से कहा जाता है निग्रह स्थान वो आपको वो प्राप्त हो जाएंगे वो प्राप्त हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे कि तरी कथक अशक्ति सूचक पांच नंबर टिप्पणी में देखो अशक्ति सूचक कथक मतलब प्रतिवादी नादी प्रतिवादी प्रतिवादी जब आपसे पूछा प्रत्युत्तर दान असमर्थ जब प्रतिवादी ने पूछा उसको उत्तर देने में समर्थ आपको नहीं है इसके द्वारा सूचित होते आपकी अप्रतिभा मतलब आप अपने प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए जो पक्क बोलना चाहिए था नहीं बोल पा रहे समझ ही नहीं पा रहे इसलिए बोलते हैं इसको जो है निग्रह स्थान कहता है निग्रह स्थान अप्रतिभा अभिधायिनम जिसको अप्रतिभा नाम से कहा जाता है आपतति ये आपके पक्ष में आ जाएगा आपके पक्ष में आ जाएगा ठीक है यहीं पर रखें ठीक है कल देखें क्योंकि अभी ठीक 8:30 समाप्त करना आज पहले से शुरू करते हैं आज है दूसरा वाला सही प्रज्ञान वैशा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद नाम नंदन जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यानुधारमृत अमरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यामि पूज्यं परम गुरुं पार्वतीर्नतोऽस्मि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 चार तारीख को एकादशी के दिन जो है इसको बंद कर